नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी को अपडेट किए हैं लेकिन आपका जो बैंक केवाईसी है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इनवैलिड आपका बैंक अकाउंट बताया जा रहा है, तो इस दौरान दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आज की वीडियो में आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि हमारा जब केवाईसी यहाँ पे इनवैलिड बताया, बैंक अकाउंट इनवैलिड बताया, तो हम क्या किए जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी हमारा अभी अप्रूव यहाँ पे दिखा रहा है, डीएससी डिवाइस के जरिए से यहाँ पे हमारा केवाईसी अभी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्लीट जानकारी देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया जो कि हमारा केवाईसी यहाँ पे अप्रूव हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, इनवैलिड यहाँ पे बताने का बहुत सारे कारण होते हैं जो कि यहाँ पे आपका ईपीएफ एक भी कारण उसको मिल जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट इनवैलिड बता दिया जाएगा, चाहे आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट रनिंग क्यों ना हो, आप चाहे आपका बैंक अकाउंट पूरा तरह से सही हो फिर भी आपका यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा, कोई भी एक कारण सिर्फ रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपका भी यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है ये कारण को लेकर इनवैलिड बता रहा है तो सिंपली आपको क्या दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने भी यहाँ पे वही ट्राई किया था, क्या किया था हमारा जो बैंक अकाउंट को इनवैलिड बताया फिर से मैं उसको केवाईसी अपडेट किया गया था लेकिन फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है इनवैलिड बैंक अकाउंट बता के रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि अब यहाँ पे आपको दूसरा बैंक अकाउंट ही आपको यहाँ पे केवाईसी फिर से अपडेट करना पड़ेगा। यदि आपके पास में बैंक अकाउंट एक ही है तो फिर आपको दूसरा एक न्यू खाता खुलाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे और अनदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। देन यहाँ पे आप जैसे न्यू बैंक केवाईसी को अपडेट कीजिएगा तो आपका जो बैंक केवाईसी है जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं अभी लाइव प्रूफ में दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे देख सकते हैं UTIB, उसके बाद यहाँ पे मैं पहले वाला जो हमारा था यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसका PUNB, यानी कि हमारा पहले था पंजाब नेशनल बैंक का और अभी मैं यहाँ पे जो अभी अपडेट किया हूँ ये एक्सिस बैंक का है, जो कि इसका आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना था, यदि आपका भी बैंक अकाउंट यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, आपका भी बार बार रिजेक्ट कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे आपको दूसरा बैंक अकाउंट को यहाँ पे केवाईसी अपडेट करना है, देन आपका केवाईसी यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। परेशान यहाँ पे नहीं होना, बार बार वही अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे केवाईसी अपडेट नहीं करना है, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का यही हमारा पर्पज था कि आप लोग परेशान ना हो, दूसरा बैंक अकाउंट केवाईसी अपडेट कीजिए और आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा, देन उसके बाद आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आई होप कि आज की वीडियो में आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताया हूँ आपको अच्छी लगी हो, यदि वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिले हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।